भिवानी रोड स्थित श्री गौशाला के पदाधिकारियों द्वारा की जा रही कथित अनियमितता के खिलाफ शुक्रवार को डीसी के नाम नगराधीश होशियार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। इसकी अगुवाई गौशाला संघर्ष समिति के सदस्य ईश्वर गर्ग ने की। निर्धारित कार्यक्रम के तहत काफी लोग सुबह से ही जयंती देवी पार्क में एकत्रित हुए। यहां से यह श्री गौशाला संघर्ष समिति के बैनर तले शहर के पुरानी सब्जी मंडी झांझ गेट शहर थाना गोहाना रोड होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे। रास्ते भर इन लोगों ने श्री गौशाला के पदाधिकारियों सज्जन गर्व व संतलाल चुक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की। आचार्य योगेंद्र महाराज गौ रक्षा दल हरियाणा से अध्यक्ष हूँ। ये जो श्री गौशाला है भिवानी रोड पर, इसमें जो अनियमितताएं हैं उनकी हमने आज प्रशासन को ज्ञापन दिया है पूरे प्रदर्शन के साथ ही। और सोसाइटी एक्ट जो है वो हरियाणा का ये कहता है कि जब भी आप कोई रजिस्ट्रेशन सोसाइटी करवाते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि हम सारा परोपकार के लिए कार्य करेंगे, धर्मार्थ के लिए कार्य करेंगे और कोई भी जमीन नहीं बेचेंगे, कोई भी इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ जमीन बेची जा रही है, उसके बावजूद यहाँ करोड़ों रुपए एफडी के तौर पर भी ब्याज के तौर पर दिया जाता है और शहर में गाय एक्सीडेंट हो रही है, गाय ली नहीं जाती, रखी नहीं जाती। तो आज हमने 10 दिन का समय दिया है प्रशासन को, 10 दिन के बाद यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम धरना और प्रदर्शन और जुलूस लगातार रखेंगे और जब तक ये कार्य नहीं हुआ तब तक जाएंगे। मेरा नाम आचार्य योगेंद्र लेकिन जो ये लोग कुछ लोग आए थे हमारे पास कि लो जी आपने सापुर वाली जमीन बेच रहे हो, हमने तो कभी ऐसी बेचने की बात नहीं आई। लो जी आप दुकानों का नक्शा बना रहे हो, ऐसा कोई दुकानों का नक्शा बनाने की कोई बात नहीं आई रेजोल्यूशन कमेटी के, हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर कोई रेजोल्यूशन नहीं ऐसा। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई गौशाला के हित में कोई कार्य होता है तो कमेटी करेगी और कर भी रही है। और जो ये लोग, जो भी लोग हैं, मैं नाम लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये जो भी लोग हैं काम करना गौशाला के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये सारे के सारे बेबुनियाद आरोप है। किसी भी प्रकार हमारे गौशाला के बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से कार्य होता है। हमने 16 किलो जमीन हमने एक साल के ठेके पे दिए, उसके 8,50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दी, 8,00,000 रुपये उसके एडवांस आए हुए, चेक द्वारा पेमेंट आई हुई है। और रही उसके अंदर जो ज्वार थी वो हमने गऊ को चला दी थी, ट्रैक्टर फिराने की क्या बात है। अपनी तरफ से जो ये लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, ये अपनी तरफ से खुद ही बात बना बना करके गौशाला पर बेबुनियाद आरोप लगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।